आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशंस की न्यू ट्रिक ट्रिप्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन बाय ट्रिप्लेक्स नंबर। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय ट्रिप्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन बाय ट्रिप्लेक्स नंबर। ट्रिप्लेक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इजी है। हम इजली बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन भी इजली सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ट्रिप्लेक्स नंबर क्या होगा वो देखते हैं एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर 1, 3898 मल्टीप्लाई बाय 222। हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ट्रिप्लेक्स नंबर का मतलब है सेम थ्री नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना। सेम थ्री नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना। हमने यहाँ पर हम 222 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बड़ा टफ लगेगा, हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम इसे ब्रेक कर देते हैं। 111 मल्टीप्लाई 2। हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। 111 का मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है। 111 का मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है 1 2 3 2 1। 1 2 3 2 1। सबसे पहले हम 938 को मल्टीप्लाई करेंगे 111 से। हमने 111 से 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया? पहले हमने 1, यानी हम पहले 1 डिजिट लेंगे, फिर हम 2 डिजिट लेंगे, फिर हम 3 लेंगे, फिर हम 2 बैक काउंटिंग शुरू करेंगे 2, फिर हम सिंगल। यानी 1 से हमने मल्टीप्लाई करा 8, हमारा 8 आया। फिर हमने 1 को 9 से करा 9, हमने 2 डिजिट लेना है, 9 प्लस 8 17, 7 अप 1 डाउन। फिर हमने 3 से करना है 3, 3 डिजिट लेने हैं, 3 प्लस 9 प्लस 8 17 प्लस 3 20, 20 के 0 अप 2 डाउन। अब हमें बैक शुरू करना है, 1 2 3 हो गया, अब हमें 2 1 करना है, तो 2 1 के लिए हमने 1 को 3 से करा तो हमारा आया 2 करना है, 3 प्लस 9 12, 12 का 2 अप 1 डाउन। फिर हमने 1 से करना है, 3 1 जा 3। अब हमें कैरी ओवर लेना है, 8 7 और 1 8, 2 और 0 2 ऐड करने हैं, 2 और 1 2 और 1 3। सिंगल। हमारा 111 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया आंसर। अब हमें आंसर निकालना है 222 का। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 28 जा 16, 6 अप 1 डाउन। 28 जा 16, 6 अप 1 डाउन। 22 जा 4, 2 3 6, 2 3 6, 6 6 और 1 7, 7। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमने 8 7 0 और 1 1, 2 और 2 4, 3 और 1 4। टू एट जा 16, 2 7 जा 14, 4 अप 1 डाउन, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 6 1 और 4 5, 2 और 1 3, 8 8। आंसर इज हम 398 को मल्टीप्लाई करेंगे 222 से
आंसर आएगा 88356। ट्रिक बहुत इजी है, समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप स्पीड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 874 मल्टीप्लाई बाय 444। सेम पैटर्न अप्लाई करना है, सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना है, 111 मल्टीप्लाई 4। ट्रिप्लेक्स कर रहे हैं तो ट्रिप्लेक्स को हमने ब्रेक करा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम 874 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 111 का रूल होता है 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, 4, 1 को 7 से करा, 7, 2 डिजिट लेने हैं, 7 और 4, 11, 1 अप 1 डाउन, 3 डिजिट लेने हैं, 8, 8 7 4, 7 7 14, 1 15, 15 4 19, 19 का 9 अप 1 डाउन। अब बैक काउंटिंग करनी है, 1 2 3 हो गया, अब 2 1 करना है, तो 7 2 1 करा, 8 प्लस 7 5 अप 1 डाउन, 8 8 4 1, 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 1 7, 8 और 1 9। हमारा 111 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया 97014। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें आंसर 444 का निकालना है, तो 44 जा 16, 6 अप 1 डाउन, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 6 अप 3 डाउन, 6 1 और 4 5, 0 8, 6 और 2 8, 3 एज इट इज, 36, 38, 80, 32, 650862। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 168 मल्टीप्लाई 555। सबसे पहले हमने ट्रिप्लेक्स को ब्रेक करना है 5। नेक्स्ट स्टेप में हमें स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 168 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 111 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, इसका एक रूल होता है 1 2 3 2 1। इस रूल के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 1 2 3 2 1, हमें ये रूल फॉलो करना है। 8 8 8 एज इट इज, 2 डिजिट लेनी है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 6 प्लस 8 14, 4 अप 1 डाउन, तीनों डिजिट लेने हैं, ऐड करनी है, 14 प्लस 1 15, 5 1, लास्ट 2 बैक काउंटिंग करनी है, 6 प्लस 1 7 एंड 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1, 8 4 6 8 1। हमने 168 को 111 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आया 18648। 18648 को अब हमें आंसर, हमें 555 का निकालना है। हम अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है।
यह करना बहुत इजी होता है। अगर हम डायरेक्ट 168 को 555 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा लेंथी हो जाएगा, इजीली हम इसको कर सकते हैं। 5 8 जा 40 5 8 जा 40, फाइव एट जा 40, 4 0 अप 4 डाउन, 8 4 जा 20, 0 अप 2 डाउन, 8 6 जा 30, 8 4 जा 40, 5 1 जा 5, 0 4 2 3 9, आंसर इज 93240। ये हमारा आंसर है। जब आप करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका 2 लाइंस में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम छोटा सा करके दिखाते हैं आपको, इजीली स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई हम एक्स्ट्रा लाइन हम ऐड नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 893 को हमने 777 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक द 777, 333 111 मल्टीप्लाई 7। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इन स्टेप 1, 893 मल्टीप्लाई 111 111, मल्टीप्लीकेशन रूल होते हैं 1 2 3 2 1, फॉलो करेंगे रूल को 1 2 3 2 1, 3 9 और 3 12 2 up 1 down, 16 17 18 19 20 0 up 2 down, 17 का 7 up 1 down and 8 3 2 1 9 9, and next step is 9 9 1 2 3 multiply 7, 21 14 7 63 and 7 9 is 63, add करेंगे 1 6 63, 3 up 6 down, 7 9 जा 63, 3 up 6 down, 3 up 6 down, 4 or 2 6 7 or 1 8, 3 6 or 3 9 and 6, answer is 693861, it's a answer। जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें इजीली हम इसको सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप 6 5 7, फिर हम डिजिट बढ़ाकर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 8, 6 5 7 मल्टीप्लाई 1 1 1, आंसर इज 7 12 18 11 and 6, 7 2 9 2 7। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 9 2 7 मल्टीप्लाई 8, 16, 2 अप 7 डाउन, 6 अप 1 डाउन, 6 अप 5 डाउन, 6 3 7 और 6 13, 1 6 1 7 और 1 8 5।
आंसर इज 583, 58336, 58336। सेवन टू नाइन टू सेवन को हम एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72927 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56, 16, 72, 16, 56, 6, 6, 5, 11, 1, 2 और 1, 3, 13, 6 और 1, 7 और 5, 6 और 1, 7 और 5, 57, 6, 1, 4, 3, 8, 5, answer is 583416, it's a answer, it's a easy trick. सॉल्व करना बहुत इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करो और इसको इजीली करो प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
180 मल्टीप्लाई 444. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक द ट्रिप्लेक्स. 111 मल्टीप्लाई 4, 180 मल्टीप्लाई 111, 0, 8, 9, 9, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0, 56, 36, 32, 36, 36, 4, 0, 2, 9, 9, 7. इट्स ए आंसर. इजी है. स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करो. इसको आप विद इन अ सेकेंड आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. हमें ये रूल याद रखना है. वन 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 का क्या होता है? वन टू थ्री टू वन. हम इसमें वन टू वन वन को वन 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 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले ट्रिपल वन से मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें हमें क्या करना है? हमारा रूल होता है वन टू थ्री. अब हमें क्या करना है इसमें? थ्री टू वन. हमारे पास फोर डिजिट है. फोर डिजिट में हम क्या करेंगे? वन टू थ्री, थ्री टू वन. यानी पहले सीधी काउंटिंग फिर बैक काउंटिंग. हमें फोर डिजिट में हमारे पास टू थ्री डिजिट में हम करेंगे. टू डिजिट में हम करेंगे वन टू थ्री टू वन. और जब हमारे पास फोर डिजिट हो तो वन टू थ्री थ्री टू वन. हम इस रूल को फॉलो करेंगे. अब देखिए इसको. हमने ये रूल फॉलो करा. अब हम इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे. वन वन जा वन, वन वन जा वन. टू डिजिट लेना फिर हमने वन और वन टू. फिर हमने थ्री डिजिट लेना है टू वन थ्री फोर. फिर हमने ये अप होएगा फोर. फिर हमने पहले वन डिजिट फिर टू डिजिट फिर थ्री डिजिट. फिर हमने पीछे से बैक काउंटिंग करनी है. नहीं, आगे से थ्री डिजिट. वन टू फाइव, फाइव टू वन, फाइव और टू सेवन और वन एट. आगे से टू डिजिट फाइव सिक्स सेवन और लास्ट डिजिट इज फाइव. ये हमारा वन 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 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया फाइव सेवन एट फोर टू वन. हमारा ये आया. अब इसको हमें फाइव से मल्टीप्लाई करना है. तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फाइव. फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, जीरो अप वन डाउन. फाइव फोर जा 20, 0 अप 2 डाउन. 5 8 जा 40, 0 अप 4 डाउन. 5 7 जा 35, 5 अप 3 डाउन. 5 5 जा 25, 5 अप 2 डाउन. 5 0 1 और 0 1, 0 2 0, 5 4 9, 5 3 8 एंड टू. आंसर इज 2892105. इट्स ए आंसर. ट्रिक इजी है. आप चाहे कितना ही बड़ी डिजिट ले ले, ट्रिप्लेक्स नंबर आपके पास होने चाहिए. आप यहाँ पे दो डिजिट ले, थ्री डिजिट ले, रेंडमली कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं. आप फोर डिजिट, फाइव डिजिट, सिक्स डिजिट कैसे भी ले, आपको पैटर्न वही फॉलो करना है. वन टू थ्री, थ्री टू वन. आपको पर यहाँ पर आपका मल्टीप्लायर जो होगा वो ट्रिप्लेक्स होगा, तब आपका ये रूल फॉलो होएगा. नेक्स्ट देखिए, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. 4920 को मल्टीप्लाई करना है हमें 333. ट्रिप्लेक्स है हमारा तो ट्रिपल वन मल्टीप्लाई थ्री करेंगे स्टेप में. नेक्स्ट सबसे पहले हमें ब्रेक करना है नंबर्स को, मल्टीप्लायर को. फिर हमें
4920 को मल्टीप्लाई करना है 111 से। 1 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, 3 3 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम इसको वैदिक मैथ की ट्रिक से करेंगे, देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं हम। 4920 को 111 से मल्टीप्लाई करा हमने, 111 का एक रूल होता है, 111 का रूल होता है 1 2 3 2 1। यहाँ हमारे पास 4 डिजिट है तो हमारा क्या रूल होगा, 1 2 3 3 2 1। पहले हमें बैक से वंस प्लेस से शुरू करना है 1 2 3, फिर हमें 100 प्लेस 1000 प्लेस से शुरू करना है 3 2 1। तो चलिए करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे 0 यहाँ पर लिखते हैं हम 0, 2 प्लस 2 डिजिट लेने हैं यानी 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 2 11, 11 का 1 अप 1 डाउन, 4। अब हमारे 3 डिजिट हमने ले लिए, अब हम आगे से 3 लेना शुरू करते हैं तो 2 9 11, 11 प्लस 4 15, 5 अप 1 डाउन, 2 डिजिट 9 और 4 13, 3 अप 1 डाउन सिंगल डिजिट 4। आंसर इज 0 2 1 6 4, 4 और 1 5, 5 4 6 1 2 0, इट्स ए आंसर। इजी है ट्रिक, आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी ट्रिक सॉल्व होती जाएगी। आप मैजिक ट्रिक से मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकेंगे, पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको ये ट्रिक आएगी। तो चलिए अब हमारा शुरू होता है प्रैक्टिस टाइम। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं, आप रेंडमली कहीं से भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, आप इन क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ट्रिक नहीं आएगी और आप कंपटीशन लेवल में यूज नहीं कर पाएंगे। आपको जोन से भी ट्रिक याद आए आप इस सीरीज को देखिए और ट्रिक अप्लाई कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, ट्रिप्लेक्स नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें करना है 84 मल्टीप्लाई 444। क्वेश्चन नंबर 2, 65 मल्टीप्लाई 777। आप रेंडमली कोई भी डिजिट ले सकते हैं, ये नहीं कि हम जो आपको दे रहे हैं वही आपको सॉल्व करना है। आप किसी भी डिजिट को सॉल्व करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आप चेक कीजिएगा आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। आपको रूल फॉलो करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 11 मल्टीप्लाई 777। अब आप ये देखिए, 44 को मल्टीप्लाई 444 से मल्टीप्लाई करना तो भी सेम पैटर्न ही फॉलो होएगा। ट्रिपल फोर को 444 से मल्टीप्लाई करना है तो भी सेम पैटर्न ही फॉलो होएगा। आपको इनको ब्रेक करना है, ब्रेक करके सेम पैटर्न फॉलो करना है। आपको ये नहीं देखना कि आगे ब्रेक करना है या पीछे, आपको पीछे वाला ही मल्टीप्लायर को आपको ब्रेक करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 384 को आपको 888 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 3946 को आपको 999 से मल्टीप्लाई करना है। आपको बेसिक मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर आप वैदिक मैथ की ट्रिक से करेंगे तो आप इजीली कुछ ही सेकंडों में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको बहुत ही कम टाइम लगने वाला है और मैजिक की तरह आप सेकंडों में ओरली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे।
4160 को आपको 222 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 14 मल्टीप्लाई 222। लास्ट क्वेश्चन 5211 को आपको 111 से मल्टीप्लाई करना। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपके यह आंसर निकले, क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस राइट है, आप आंसर चेक कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, यस या नो। आप इनको जरूर सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैदिक मैथ की हर ट्रिक, एक एक ट्रिक आपके लिए लेके आ रहे हैं। छोटे से छोटे स्टेप को हम आपको करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको बाहर कोचिंग लेने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको इसको अच्छे से करो, सिर्फ आपको घर बैठ के थोड़ा सा टाइम अपना निकाल के इसको सीखना है और करना है, जो आपके कंपटीशन लेवल में आपके बहुत हेल्प करेगी, आपकी बहुत मदद करेगी। आपको ये हर चीज में, हर स्टेप में, हर ओलंपियाड में, हर चीज में आपकी हेल्प करेगी। आगे अब हमारा शुरू होता है प्रैक्टिस टाइम। तो हमारी प्रैक्टिस टाइम है, पजल को सॉल्व करेंगे, पजल सॉल्व करेंगे। पजल हमें सॉल्व जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पजल हमारी माइंड की एक्सरसाइज होती है। पजल सॉल्व करेंगे, पजल हमारा माइंड की एक्सरसाइज होती है। क्या है? दिमाग खराब कर रखा है? ये क्या हुआ? बिजी नहीं, अकल है। अब काटियो अब इस वीडियो। अरे अकल दकल कुछ है, जब मैं लगा ले रहा मेरी तो देख। अब चुप हो जा, करूँ ना करूँ? नहीं मत करना। ट्रिपल जी ना करो। अब काटू इसको, आगे करूँ? आगे कर लो। पजल टाइम, पजल सॉल्व करना। पजल हमारी माइंड की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ये है हमारा टाइम, टेस्ट योर आईक्यू, हमारे आईक्यू का टेस्ट होता है। हमें पजल को जरूर सॉल्व करना चाहिए। पजल चाहे इजी हो या डिफिकल्ट हो, पजल को देखकर हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, उसको वर्क करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, चाहे पजल कितनी इजी हो। तो चलिए, आज की हमारी पजल है कैलकुलेशन के ऊपर। हमें कैलकुलेशन करना है 48 - 12 / 4 + 6 / 2 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। आपको सॉल्व करना है इसको हर रूल से अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हमने पहले भी इस तरह की पजल्स की हैं। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको ये देखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको फिर बेसिक मेथड से आपने कैलकुलेटर के उससे भी करके देखना कि हमारा ये आंसर निकला है या नहीं। आप इस पजल को जरूर सॉल्व करना। इसमें आपको मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपको डी मास का फॉर्मूला लगाना है। डी मास से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट निकलेगा, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग निकलेगा। आपको डी मास का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो हमारे साथ बने रहेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन की और वैदिक मैथ की और भी नई नई ट्रिक्स लेके आएंगे, जो आपके मैथ को और भी इजी और इजी से इजी बना देगी। जो आपको मैथ्स का डर है और कंपटीशन में आप मैथ्स की तैयारी करते हैं, वो आपको इजी और सरल बना देगी। तो आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए थैंक यू।